यार मुझे लग रहा है तेरा कुछ चल रहा है, तोरी कड़कड़ा दे यार। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, एल्विस यादव ने मनीषा रानी के सारे राज खोल दिए हैं, जग जाहिर कर दिए हैं। जी हाँ, एल्विस यादव ने बताया है कि मनीषा रानी और टोनी कक्कड़ का क्या चक्कर चल रहा है, उन्होंने क्या रिएक्ट किया, उनका क्या मतलब रिप्लाई आया है इस पर। चलिए आपको मैं उसकी पूरी वीडियो दिखाती हूँ, उन्होंने जो अपने ब्लॉग में डाली हुई है। तो पूरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनीषा रानी मेरी बात करवा देगा, अनअवेलेबल है मनीषा रानी। तो मनीषा रानी ने लगा रखा डीएनडी में, कोई ना इसका आएगा भी वापस। ओए घड़ी अपना वजह से देते रहे के और ही मार था जुए फाइव लो गाइस। भाई साहब तू तो रहने अनअवेलेबल रहे, तू तो अनअवेलेबल। अच्छा मैं भूल गया, मैं कह रहा हूँ सुन, हम याद है हमने एक वेब सीरीज प्लान करी थी, मैं तू फुकरा, जिसमें हम वो बन रहे थे क्राइम वाले बंदे। हाँ। तो करे वो ना। तेरी तो फीस बढ़ गई होगी ना बहुत ज्यादा, तू तो स्टार है। डिमांड कोई सा पति ना हूँ मैं कह रहा हूँ, तू अभी इस टाइम गाड़ी में रिक्शा में ऑटो ऑटो कि मैं कितनी भी बड़ी बन जाऊँ मैं ऑटो में घूमती हूँ, मेरा कैमरा मैन गाड़ी में घूमता। हाँ वेब सीरीज तेरा कुछ चल तो नहीं रहा। आपको लगता है ये माँ आपको छोड़े किसी और लगे तो माँ उठा के भी देगी। यार मुझे लग रहा है तेरा कुछ चल रहा है, तोरी कड़कड़ के साथ यार। नहीं बाबू, आपको छोड़ के किसी और के साथ देखने को ज्यादा एक्सपोज करूंगा तुम्हें सबको आज मैं। और किस किस को करोगे? एल्विशा ये क्या है? एल्विशा का मतलब बता दो जी। अच्छा वो एल्विश प्लस मनीषा। भाई मैं वेब सीरीज कर रहा हूँ, फिर प्लान लिख रहा हूँ मैं, ठीक है उसको। वीडियो आपने देख ली तो आप समझ गए होंगे क्या मामला है और कैसे क्या हुआ था, इस पर किसने क्या रिएक्ट किया है, उन्होंने फुकरा को भी कॉल किया था। देखते हैं इनकी वेब सीरीज आती है नहीं आती। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इनकी वेब सीरीज का इंतजार मुझे भी है तो क्या आप लोग को भी है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।